SN Live सच सबसे आगे। सिवान में पटाखा फोड़ने के विवाद को लेकर हुई मारपीट, दो घायल। महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय के दलदरी बाजार वार्ड संख्या 5 में सोमवार को पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद को दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस घटना में दो लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां की स्थिति गंभीर होने के कारण चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों में पूर्व मुख्य पार्षद राजकुमारी देवी के पोता व मुन्ना गुप्ता के पुत्र मधुसूदन गुप्ता तथा दूसरे पक्ष के कपिया निवासी जयप्रकाश पांडे के पुत्र मुकुल कुमार पांडे शामिल हैं। घायलों में मधुसूदन गुप्ता की स्थिति गंभीर होनी बताई जा रही है। आपको बता दें कि नगर पंचायत के दलदली बाजार वार्ड संख्या 5 में मधुसूदन गुप्ता अपने घर के समीप सोमवार की सुबह छठ पर्व को लेकर पटाखा फोड़ रहा था। इस क्रम में कपिया निवासी मुकुल कुमार पांडे सुबह में अपनी दुकान खोलने के लिए दुकान के समीप पटाखा फोड़ने से मना किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष के बीच में तूतू मैमे होने लगी और मारपीट में इस दौरान मधुसूदन गुप्ता तथा मुकुल कुमार पांडे दोनों घायल हो गए। आसपास के लोगों द्वारा बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हुआ। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा दोनों घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां मधुसूदन गुप्ता की स्थिति गंभीर बताकर चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इस मामले में दूसरे पक्ष के मुकुल कुमार पांडे ने थाना में आवेदन देकर मार्च को आरोपित किया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सिवान से सन लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।